देखो ध्यान दो बच्चों, हम लोग एक और प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। देखो ये प्रॉपर्टी होती है मॉड ऑफ इंटीग्रेशन लेसर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ मॉड, है ना। ये प्रॉपर्टी होती है मॉड ऑफ इंटीग्रेशन लेसर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ मॉड, है ना। तो देखो अब जैसे इस प्रॉपर्टी का कोई बहुत रूल तो नहीं है यहाँ पर क्वेश्चंस में, लेकिन फिर भी देखो इसको वैसे कह सकते हैं कि मतलब इंटीग्रेशन का जो मॉडुलस है वो हमेशा, है ना, मॉडुलस फंक्शन के इंटीग्रेशन से कम होगा हमेशा, है ना। देखो जैसे ये लोग क्या करते हैं कई बार, मतलब इंटीग्रेशन की वैल्यू नहीं उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू पूछते हैं, है ना। जैसे कि मान लो हमसे क्वेश्चन कह दिया कि फाइंड इंटीग्रेशन -1 to 3, है ना, और अंडर रूट ऑफ x³, है ना, माइनस 1/x³ - x² का मॉडुलस। मान लो इस टाइप का क्वेश्चन हमसे पूछा गया, है ना, कि इसके मॉडुलस की वैल्यू निकालिए। अब देखो जैसे क्या होता है यहां पर भी दो बातें हैं भाई, अंदर का फंक्शन अगर इंटीग्रेट हो जाए तो कोई समस्या नहीं। अब देखो यहां पर एक समस्या ये आएगी कि जैसे डिनोमिनेटर जो है वो जीरो हो जाएगा, इसको चेंज कर देते हैं, इसको 1, इसको 2 to 3 कर देते हैं, है? अब देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, अदरवाइज डिनोमिनेटर जीरो हो जाता, इसलिए हमने लिमिट को चेंज कर दिया, है ना। ऐसे -1 to 3 लेते तो जैसे x=1 पर डिनोमिनेटर जीरो हो जाता तो वो क्वेश्चन ठीक नहीं होता, इसलिए हमने लिमिट को चेंज कर दिया। अब देखो इसकी हमें वैल्यू चाहिए, तो अब देखो यहाँ पर इस प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है क्योंकि हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, है ना, इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, कैसे बोलो, 1/x³ - x² और dx, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, x² कॉमन ले लो और x - 1 dx कर दो। अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन से इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो जैसे यहाँ पर इस प्रॉपर्टी का कोई यूज नहीं क्योंकि इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है। अब इस प्रॉपर्टी का यूज तब होगा ऐसे केसेस में जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन पॉसिबल ना हो, वहां पर देखो इस प्रॉपर्टी का यूज होगा कि भाई ऐसा फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन ही पॉसिबल नहीं है, तो वहां पर इस प्रॉपर्टी का हम अच्छा यूज कर सकते हैं, है ना। देखो जैसे मान लो अगर हम क्वेश्चन ले लें यहाँ पर मॉड ऑफ इंटीग्रल, फॉर एग्जाम्पल, है ना, मॉड ऑफ इंटीग्रल π/2 से लेकर के 4π/3 sin x/x dx, मान लो ऐसा मैंने ले लिया, बोलो π/2 नहीं बल्कि हम ऐसा करें 5π/3, है ना, 2π/3 कर, 2π/3 से लेकर के 4π/3 का मॉड, है ना, ऐसा हमने कर दिया। अब देखो मैंने ऐसा क्वेश्चन क्यों लिया, क्योंकि इस फंक्शन का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब क्या होगा, हम इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलती, उसकी मतलब मिनिमम वैल्यू निकल सकती है इंटीग्रेशन की और मैक्सिमम वैल्यू निकल सकती है। अभी देखो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने किया था साइन एक्स बाई एक्स में, लेकिन वो क्वेश्चन था π/4 से π/3 तक और उसमें ये बाहर मॉडुलस नहीं था। तो अब हमें इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, इस इंटीग्रेशन की हमें एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, मान लो। तो अब देखो जैसे कहेगा कि लेसर इक्वल टू के, तो बताना होगा कि आखिर हमारा के क्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा इसका मॉड लेसर इक्वल टू के है तो बताइए के क्या होगा। अब देखो
इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इस प्रॉपर्टी की हेल्प लेंगे, क्योंकि ये इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। जब इंटीग्रेशन हो जाएगा तो जरूरत नहीं किसी प्रॉपर्टी की, इसका इंटीग्रेशन निकाल लो और उस पर मॉड लगा दो। अब जैसे मान लो अगर इंटीग्रेशन की वैल्यू निगेटिव आती है, तो मॉडुलस का रूल ये है कि जब इंटीग्रेशन की वैल्यू निगेटिव आएगी उस पर मॉड लगा दिया तो वैल्यू को पॉजिटिव कर देगा। तो इस वाले क्वेश्चन में इस प्रॉपर्टी का कोई भी रूल नहीं था, लेकिन देखो इस वाले क्वेश्चन में इस प्रॉपर्टी का रूल है। अब देखो पूरे का मॉड चाहिए, तो देखो क्या होगा कि जैसे ये मॉड है 2π/3 से लेकर के 4π/3 sin x y x dx, देखो ये लेसर इक्वल टू होगा इंटीग्रल 2π/3 से 4π/3 और मॉड ऑफ sin x y x dx, ऐसा देखो यहां पर ये होगा, ठीक है। मॉड ऑफ इंटीग्रल लेसर इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ मॉड, ठीक। अब देखो हमें क्या करना होगा, अब हमें इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होगी इस पूरे की। हमें यहाँ पर देखो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देखो निकालनी पड़ेगी, निकाल दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फिर वही तरीका है कि जैसे अभी हमने साइन एक्स बाई एक्स को देखा था, उसको हमने चेक किया था कि भाई ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो बिल्कुल वैसे ही हम इसकी रेंज निकालेंगे। जब इसकी रेंज निकल आएगी तो उसके मॉड की रेंज निकालेंगे, है ना। ऐसे मान लो इसका हमने ग्राफ बनाया और इसका ग्राफ मान लो कुछ ऐसे करके आया, 2π/3 से लेकर के मान लो फॉर एग्जांपल 4π/3 आया, इसका ग्राफ मान लो कुछ ऐसे आया। तो अगर हम इसके मॉड का ग्राफ बनाएंगे तो मॉड का ग्राफ क्या होता है, नीचे वाला पार्ट ऊपर पहुंच जाता है। तो उस केस में क्या होगा, ये जो ऊपर का पार्ट है ऊपरी रहेगा और नीचे वाला पार्ट देखो यहाँ पर ये ऊपर पहुंच जाएगा, ध्यान। तो फिर उस तरीके से हमें इस फंक्शन की रेंज मिल जाएगी 2π/3 से लेकर क्या हो गया बोलो 4π/3 तक हो गया। तो जब इस फंक्शन की देखो रेंज मिल जाएगी, चेक करना पड़ेगा कि ये फंक्शन आखिर क्या है, इसका ग्राफ आखिर क्या है, ये ऊपर से नीचे जाता है कि नहीं जाता, ये बात चेक करनी पड़ेगी कि इस इंटरवल में आखिर ये फंक्शन कैसा है, 2π/3 से लेकर के 4π/3 वाले गैप में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है क्या नहीं, चेक करना पड़ेगा। अब देखो थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन मैंने जानना उठा लिया है ना, ये क्वेश्चन बाई चांस मैंने काफी टफ उठा लिया, ठीक है, क्योंकि देखो इसका रेंज निकालना पड़ेगा अब हमको इस इंटरवल में 2π/3 से 4π/3 में इसका रेंज चाहिए, है ना। तो अब रेंज निकालने के लिए फिर इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, अब इसको डिफरेंशिएट करके चेक करना पड़ेगा कि भाई इसका डिफरेंशिएशन कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव, तो समय लगेगा थोड़ा सा, तो करना आप लोग, है ना, ये आप लोग थोड़ा ट्राई करना है इस क्वेश्चन को, है ना, ये मैंने आपके लिए एक्सरसाइज छोड़ दिया। तो यहाँ पर इस प्रॉपर्टी का देखो यूज होगा, हालांकि इस प्रॉपर्टी को आईआईटी ने अब तक कभी यूज तो नहीं किया है, लेकिन इसके इस तरीके से कि दो दो क्वेश्चन सब किताबों में दिए गए हैं, है ना, इस प्रॉपर्टी के एक दो दो क्वेश्चन सारी किताबों में हमें दिए गए, ठीक है। हालांकि कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है नहीं, फिर भी इसको याद रखो, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं कि मॉड ऑफ इंटीग्रल और वो जब इंटीग्रेट ना हो पाए तो इसका रोल है, अगर इंटीग्रेट हो गया तो कोई रोल नहीं है, क्योंकि आप इसको इंटीग्रेट, अब मान लो कोई हमसे ये क्वेश्चन पूछे, अगर हमसे मान लो कोई ये क्वेश्चन पूछे कि मॉड ऑफ इंटीग्रल 1 to 2 है ना और 1 - x²dx, ये क्वेश्चन पूछे, तो अब इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी कोई रोल नहीं है, आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए और इंटीग्रेशन का जो आंसर है उस पर मॉड लगा दीजिए, वही आंसर हो गया, है ना। जैसे कि मान लो मैंने इसको इंटीग्रेट कर लिया, इसका इंटीग्रेशन देखो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन 1 - x² है, इसको मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो क्या आएगा बोलो, x - x³/3 और 1 से 2, ठीक। अब देखो क्या होगा यहाँ पर, इसका इंटीग्रेशन 1 का हो गया x, x² का x³/3, देखो x की जगह 2 रखो तो 2 - 2³/3 और माइनस x की जगह 1 रखो 1 - 1/3, ऐसा आ गया, ठीक है। तो क्या हुआ देखो, यहां से ये माइनस का 2/3 है ना, और देखो यहां पर भी क्या हो गया, ये हो गया 2/3, तो क्या हो गया बोलो, माइनस का 4/3 आ गया, ध्यान।
ठीक है, माइनस का 2/3 माइनस, और देखो ये भी 2/3, तो देखो ये माइनस आ गया, मतलब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू नेगेटिव आई है, तब इसका मॉड लगा है। तो मॉड का काम क्या है कि पूरे पर मॉड लग करके इंटीग्रेशन का आंसर क्या हो गया बोलो, पॉजिटिव। तो ये इसका आंसर आ गया +4/3, है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन की वैल्यू नेगेटिव है, उस पर मॉड लगा दिया तो पॉजिटिव आ गया। तो यहाँ पर मॉड का बस इतना ही रोल है, लेकिन जब फंक्शन इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा तो फिर वहां पर हमें उसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पर जाना पड़ेगा इस मेथड से, है ना, तो वहां पर इसका रोल ज्यादा हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना, इस फंक्शन की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालना, डिफरेंशिएट करके चेक करना ग्राफ कैसा है। अगर ये ग्राफ ऊपर ऊपर रहता है तब तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर मान लीजिए फंक्शन पॉजिटिव है तो उसका मॉड भी वही रहता है, मैंने बताया था आपको फंक्शन में। अब अगर फंक्शन कुछ हिस्सा पॉजिटिव है कुछ हिस्सा नेगेटिव है फिर मॉड लगा दिया तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना, तो करना सब बच्चे इसको।